दोस्तों यार देखिए बैकग्राउंड में पीछे रायगढ़ का मेडिकल कॉलेज है और बगल में जो बड़ा सा दिख रहा है ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपाट फाइनली आज घर के लिए निकल रहा हूँ। अभी बाय ट्रेन जा रहा हूँ रायगढ़ तक, फिर वहाँ से बस से जाऊँगा। अभी जस्ट निकल रहा हूँ बिलासपुर से, बिलासपुर रेलवे स्टेशन में ही हूँ। स्लीपर में मेरा सीट है, स्लीपर में मैं कराया यार टिकट, क्योंकि यहाँ से रायगढ़ जाने के लिए एसी में 1500 का था, तो बस 2 घंटे लगते हैं क्या एसी में सफ़र करना। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं रायगढ़, यहाँ से मुझे बस स्टैंड जाना है, लेकिन एक बड़े भैया जी हैं विक्रांत जी, उनसे बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि वो स्टेशन पे हैं, वो यहाँ पर मेरा वेट कर रहे हैं, तो उनके साथ जाऊँगा। मैं कॉल करता हूँ उनको, फिर वीडियो बनाऊँगा। हाँ विक्रांत जी हैं दोस्तों, इनसे मिलिए। चलिए थैंक यू। अभी सोच रहे हैं कि बस स्टैंड एक बार चले जाते हैं, देख लेते हैं टाइमिंग क्या है, क्योंकि मैं बस से जाऊँगा यहाँ से, ट्रेन का सुविधा तो है नहीं अपने साइड में, तो फिर अगर टाइम होगा तो फिर घूमेंगे विक्रांत जी और मैं। बस का पता कर लेता हूँ पहले, फिर घूमेंगे। मैं कोतबा जाने के लिए बस कितना बजे? किधर है भाई अन्नपूर्णा बस? कोतबा कितने बजे छूटने का है? डेढ़ बजे आ गई यहाँ से, 1:30 बजे है कोतबा के लिए बस, तो अभी थोड़ा टाइम है अपने पास। अभी कितना बज रहे हैं? 12:30 हो गया, 1 घंटे टाइम है, 1:30 बजे बस आई है। चलो टिकट तो नहीं लिया हूँ अभी, तो ज़्यादा लोग नहीं है, सवारी नहीं है ज़्यादा। मेरे को कमेंट आया था कि आप मास्क क्यों नहीं लगाते, मैसेज किया जाएगा। ऐसा नहीं है यार, मैं मास्क लगाता हूँ, लेकिन वीडियो बनाने के लिए कितना अपना चेहरा ढक के वीडियो बनाऊँ। और आप लोग गलत ना सोचें, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, मैं गलत मैसेज जाए ऐसा तो नहीं चाहूँगा ना। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं रायगढ़ का मेडिकल कॉलेज, इधर से होकर हम लोग अभी निकलेंगे चांदनी चौक। यहाँ पर एक फेमस बिरयानी सेंटर है, क्या नाम है जिसका? यहीं पर है, भूल गया, मेरे को भी याद नहीं है, यहीं पर है बगल में। अच्छा हाँ, एक बार वहाँ पर खाए थे हम लोग। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो मेरे पापा हैं पहले रायगढ़ में ही रहते थे, उन्होंने यहाँ रायगढ़ से ही एमए किया है, कॉलेज का नाम मैं भूल रहा हूँ, पहले बीए किया उन्होंने, फिर शादी के बाद एमए उन्होंने कंप्लीट किया था, लेकिन जॉब वगैरह कुछ नहीं किए, वो खेती किसानी में ही आगे बढ़े। सुखर रायगढ़, ये हम लोग टीवी टावर रोड से जा रहे हैं दोस्तों। ये जो रायगढ़ का मेडिकल कॉलेज है थोड़ा आउट ऑफ सिटी है, बिंद्रा चुआ करके एक जगह है वहाँ पे, लेकिन पार्ट ऑफ रायगढ़ ही है ये। मैं पहली बार जा रहा हूँ रायगढ़ का जो मेडिकल कॉलेज है, सुना हुआ तो हूँ और काफ़ी बार आता भी हूँ मैं रायगढ़, लेकिन अब जा रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज बहुत खूबसूरत जगह पे है दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत मेडिकल कॉलेज, बहुत अच्छे लोकेशन पे, और ये हॉस्पिटल बन रहा है नया है। अच्छा अभी 3-4 महीने में ये इधर आ जाएगा। ये हॉस्पिटल में भी है डॉक्टर्स से? हाँ यहाँ भी कोरोना हॉस्पिटल चल रहा है। स्वर्गीय श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़। सौ बिस्तर वाला कोरोना हॉस्पिटल, ये तो बच्चों के लिए था ना ये अस्पताल? हाँ, इसको कोरोना वाला, तो कोरोना वाला बना दिया, ठीक है। अगर इस रोड से आप सीधे चले जाएं तो ये आपको ओडिशा लेके जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़े ही दूर में, यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे अभी। आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, ये जो विक्रांत जी हैं इनका जॉब इसी मेडिकल कॉलेज में है, ये रहने वाले बगीचा के हैं, बस जसपुर बगीचा। तो हम लोग एक ही जिले से हैं। हाँ। तो हमारी मुलाकात, दरअसल ये फर्स्ट टाइम है हमारी मुलाकात, मैंने इन्हें मैसेज किया और बिजी होते हुए भी इन्होंने मुझे रिप्लाई किया, बहुत अच्छा लगा। नहीं मैंने आपको बोला था कि मैं जब रायगढ़ आऊंगा तो बताऊंगा, वास्तव में मेरा प्लान ये था कि मैं बस से चला जाऊं, लेकिन चूंकि कल वो जो बीबीक्यू राइड वाला मैंने वीडियो बनाया तो फिर काफी रात हो गई, और उसके बाद फिर आज ट्रेन से आया, और सही हुआ एक तरह से ना। हाँ अच्छा हुआ।
और बहुत ही अच्छे इंसान है दीपक जी, मिलकर अच्छा लगा इनसे और उम्मीद करता हूँ आप यूं ही प्यार दीपक जी के ऊपर बनाए रखिएगा और बहुत ही अच्छे इंसान है और दिल से बहुत अच्छे हैं आप भी, बहुत अच्छे हैं। ये हॉस्पिटल है सी मेडिकल कॉलेज का, अभी ये डॉक्टर्स कॉलोनी के हम लोग अंदर आ चुके हैं जहाँ ये बड़े भैया जी रहते हैं। वो स्टूडेंट हॉस्टल है। अच्छा, सारे स्टाफ स्टूडेंट सबका अलग अलग है, डॉक्टर्स रहते हैं इस कॉलोनी में। रायगढ़ का जो मेन हॉस्पिटल है वो कहीं और संचालित किया जा रहा है, यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है जो मैंने हॉस्पिटल दिखाया दोस्तों आप लोगों को। यहाँ भैया जी के क्वार्टर पे आए हुए हम लोग अभी, और अभी बस निकलने वाले, मेरे पास और आधा घंटा का टाइम है। अच्छा, आप टीवी पे ये यूट्यूब देखते हैं क्या? हाँ, ये विक्रांत भी अभी यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं कभी कभी। ये देखिए कुमार विक्रांत नाम से इनका चैनल है, तो अभी देख रहे हैं कुछ वीडियोस, आप लोग भी देख सकते हैं चाहे तो। पूरा फैमिली गए थे, ये मासा भी रह गए थे तब का है इनका। भाभी डर रही है क्या? जा रहे हैं भाई यहाँ से, चाय भी पी लिया, खाना भी खा लिया भाभी जी ने, अच्छा खासा खाना खिलाया, रोटी चावल दाल सब्जी, बाहर खाने की जरूरत ना पड़ी आज, आज का लंच यहीं हो गया। भाभी जी को बहुत धन्यवाद, आप वीडियो देखेंगे तो भाभी जी देखते हैं वीडियो। हाँ देखते हैं। अच्छा, दोस्तों यार देखिए बैकग्राउंड में पीछे रायगढ़ का मेडिकल कॉलेज है और बगल में जो बड़ा सा दिख रहा है ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। उधर से मैं घूम के आ गया हूँ, इस बार अंदर नहीं गए। एक बात बताता हूँ, 1:30 बजे की बस थी ना वो अभी छूट गई, क्योंकि अभी 2 बज रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं 2:30 वाले बस में जाऊंगा, वासुदेव बस है अभी और आधे घंटे का टाइम है, तो बस हम लोग निकल रहे हैं। अभी भैया जी की कार मैं ड्राइव करूंगा, वॉक्सवैगन एमियो गाड़ी में चला रहा हूं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं यहाँ पे बस स्टैंड के पास में और विदाई लेने का समय हो चुका है विक्रांत जी से। चलिए ठीक है, ठीक है, मिलते हैं, कॉल करता हूँ मैं आपको। आगे जी बस में 5:30 बजे पहुँचूंगा, अभी 2:30 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, घर आने के 2 दिनों के बाद आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज 13 अगस्त 2021 है और अब से नए नए ताजे ताजे ब्लॉग्स आया करेंगे। वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों को कुछ बताता हूँ, आप लोग पूछ रहे थे कि पूरी घूमने का खर्चा कितना आया। दोस्तों मैं 2 दिन रुका हुआ था और 3रे दिन मैंने नाइट स्टे नहीं किया था, 2.5 दिन आप बोल सकते हैं। होटल का किराया था 2900 रुपये, 2 दिनों का 5800 रुपये और 3रे दिन उन्होंने 1200 रुपये लिया था, मतलब 7000 हो गए। 2000 खाने का बिल आया था, 9000 रुपये और 2500 रुपये ट्रेन का आना जाना, 8-850 रुपये जाने टाइम लगा था, 1600-1700 रुपये आने टाइम पे, 2500 रुपये आप मानिए तो कितना हो गया, 10-11 हज़ार और 1000 लगभग केमल राइड स्कूटी रेंटल इधर उधर मान लीजिए आप लोग 12.5 हज़ार। ये कम में भी हो सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इस बार एक टूरिस्ट की तरह गया था, एक ट्रैवलर की तरह नहीं, तो इस वजह से आप लोग भी जा सकते हैं पूरी, लेकिन अभी रुक जाइए, 23 अगस्त के बाद जाइएगा, भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे, भगवान जगन्नाथ जी के। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो एंड करता हूँ यहाँ पे, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, जय जगन्नाथ।